अपने पिता के दुखद निधन को देखने के बाद एक सामाजिक रूप से अयोग्य इंजीनियरिंग छात्र प्रतिशोध की राह पर निकल पड़ता है, जिसकी परिणति एक दुर्जेय रोबोट के निर्माण में होती है। एक अराजक शाम उथल पुथल के बीच एक बच्चे ने लोगों को घबराहट में भागते हुए देखा जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। सटीकता के साथ अधिकारी एक इमारत में आगे बढ़ते हैं। उनका लक्ष्य सामने दिख रहा है, एक प्रभावशाली रोबोट। इसकी छाती कई गैस टैंकों से जुड़े एक खतरनाक उल्टी गिनती मॉनिटर से सजी हुई है। आसन्न खतरे को भांपते हुए प्रमुख पुलिसकर्मी तुरंत वहां से हटने का संकेत देता है। जैसे ही कमरा अपने विस्फोटक चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है, पूरा क्षेत्र अराजकता में बदल जाता है। इस बीच कहीं और एक घायल WIA खुद को हथकड़ी पहने हुए पाता है, रहस्यमय वैरीज से पूछताछ का सामना कर रहा है। तनावपूर्ण बातचीत में वैरीज एक अपराध में WIA की संलिप्तता की जांच करता है। स्थिति की गंभीरता के बावजूद वैरीज ने गर्मजोशी के साथ याया का स्वागत किया, उसके जीवित रहने पर राहत व्यक्त की, भले ही उसके लोगों ने उसे पकड़ लिया हो। जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ती है, वैरीज अशुभ रूप से एक फाइल पलटता है जिसमें याया के पिछले कार्यों के बारे में आपत्तिजनक जानकारी होती है। जैसे ही याया का जीवन उसकी आंखों के सामने चमकता है, वो हफ्तों पहले के एक महत्वपूर्ण क्षण को प्रतिबिंबित करता है। एक इंजीनियरिंग व्याख्यान के बीच उनकी सबसे अच्छी दोस्त रीका ने दबी आवाज में अपनी कार संशोधन परियोजना का विवरण साझा किया। प्रोफेसर फारिस के तेज कानों से अनजान याया हमेशा चौकस जवाब देती है। हैरान होकर फारिस याया से बोर्ड की एक समस्या का समाधान करने की मांग करता है। अपनी शर्मीलेपन के बावजूद याया कक्षा में शामिल नहीं किए गए एक फॉर्मूले का उपयोग करते हुए एक नया समाधान प्रस्तुत करता है। सराहना के बजाय ज्ञान साझा करने की उनकी पेशकश को तिरस्कार का सामना करना पड़ा, क्योंकि नाराज प्रोफेसर ने उन्हें कमरे से बाहर निकाल दिया। निराश होकर याया को गलियारे में सांत्वना मिलती है, तभी उसका सामना चाय पकड़े हुए एक आदमी से होता है जो बोलिविया के गुस्से को भड़का रहा है। असुरक्षा के एक क्षण में रीका हस्तक्षेप करती है, याया को बोलिविया के क्रोध से बचाती है। हालांकि याया की क्रश मरियम उसके पीछे हटने को देखती है, जिससे उसका आत्मविश्वास टूट जाता है। घर पर याया के पिता श्री साले युवावस्था में उनके संघर्षों को प्रकट करते हुए आराम और समझ प्रदान करते हैं। पारिवारिक समर्थन के इस क्षण में याया को अपनी चुनौतियों का नए सिरे से सामना करने की ताकत मिलती है। कुछ क्षण बाद पिता ने हट की ओर चलने का सुझाव दिया, एक ऐसी जगह जहां याया के जुनून और रचनाएं फलती फूलती हैं। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, मोटरसाइकिल पर नासिर के आगमन से उनकी योजना बाधित हो जाती है और वो सामा के ठिकाने के बारे में जानने की मांग करने लगता है। नासिर के अवैध संबंधों से वाकिफ साले ने सुरक्षा के लिए सामा को उसके माता पिता के घर भेज दिया था। ये रहस्योद्घाटन नासिर के गुस्से को भड़काता है, उसका अहंकार स्पष्ट होता है क्योंकि वो पुलिस को बुलाने में साले की पत्नी की भागीदारी का संकेत देता है। हालांकि सालेह ने बिना किसी हिचकिचाहट के इस मामले में अपना हाथ स्वीकार कर लिया, जिससे नासिर की उसके प्रति दुश्मनी और बढ़ गई। नासिर के जाने के बाद पिता और पुत्र झोपड़ी की ओर बढ़ते हैं, जहां याया के आविष्कारों का इंतजार होता है। अपने मृत पैदा हुए बड़े भाई के नाम के बारे में जानने को उत्सुक याया ने अपने पिता से सवाल किया, जिसका जवाब मूसा था। प्रेरित होकर याया ने इसी नाम वाले अपने लघु रोबोट का अनावरण किया, जो VR तकनीक के माध्यम से इसकी रिमोट कंट्रोल क्षमताओं को समझाता है। टेम्पोरल लोब के माध्यम से उसकी रीढ़ की हड्डी से जुड़े एक उपकरण के साथ याया आसानी से अपने विचारों के साथ रोबोट को आदेश देता है, एक पत्थर को आसानी से कुचलकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। साले गर्व से भरकर अपने बेटे की प्रतिभा की सराहना करता है। मरियम की चिंतित यात्रा से उनका क्षण बाधित होता है। एक सूक्ष्म मुस्कान के साथ याया उसे स्वीकार करती है, फिर अजीब तरीके से बाहर निकल जाती है। साले के साथ अकेली रह गई मरियम अपनी अचानक यात्रा के लिए माफी मांगती है, लेकिन उसे थोड़ी देर रुकने का अप्रत्याशित अनुरोध मिलता है। जैसे ही वे अंदर बसते हैं, साले मरियम से याया के प्रति उसकी भावनाओं के बारे में पूछताछ करता है, जिस पर वो दया प्रेरित दोस्ती की कमी का दावा करते हुए सीधा जवाब देने से बचती है। जैसा कि मरियम याया के साथ अपनी शुरुआती मुलाकात को याद करती है, पियानो सीखने के लिए उसके हेडफोन उधार लेती है, वो उसके अकेले अस्तित्व पर विचार करती है, उसे एहसास होता है कि उसके पास साथी की कमी है। इस बीच पूछताछ के दौरान फारिस ने साले की मृत्यु के बारे में विवरण के लिए दबाव डाला, जिसे याया ने सख्ती से नकार दिया। एक मार्मिक क्षण में याया ने कांच के शीशे साफ कर दिए, क्योंकि साले ने उसके प्रति मरियम के स्नेह का सुझाव दिया। हालांकि याया ने एक सुंदर आदमी के साथ उसकी लगातार संगति का हवाला देते हुए इसे खारिज कर दिया।
अपने बेटे के उत्साह को बढ़ाने की कोशिश करते हुए सालेह ने याया की माँ के साथ अपने प्रेमलाप के बारे में याद किया, जिससे उसके बेटे के चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान आ गई। जैसे ही सूरज डूबता है, सालेह याया को चाय बनाने का काम सौंपता है, जबकि वह संगीत के साथ मूड सेट करता है। उनकी शांति तब भंग हो जाती है जब नासिर और उसके साथी आते हैं और सालेह पर क्रूर हमला करते हैं। डर के मारे याया ने देखा कि ठगों ने घर में तोड़फोड़ की, आग लगाने से पहले कीमती सामान चुरा लिया। असहाय याया भयभीत होकर अपने पिता को आग की लपटों में जलते हुए देखता है। अपनी कायरता का एहसास उस पर भारी पड़ रहा है। इसके बाद याया अपने घर के जले हुए अवशेषों के सामने बैठ जाता है। तबाह हो जाता है जब चिकित्सक उसके पिता के निर्जीव शरीर को ले जाते हैं। मरियम से मुलाकात के बाद याया ने अपना घर बेचने का फैसला किया और केवल झोपड़ी में ही सांत्वना पाई। उस रात दुख से व्याकुल होकर वह अपने नुकसान का शोक मनाते हुए ठंडे फर्श पर गिर गया। अगले दिन न्याय की प्यास से प्रेरित होकर याया नासिर के अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है। हालांकि सबूतों की कमी और एकमात्र गवाह के रूप में अस्थिर विश्वसनीयता ने उनके दावों पर संदेह जताया। पूछताछ के दौरान फारिस ने याया को काय बताते हुए क्रूरतापूर्वक ताना मारा और सुझाव दिया कि उसे अपने पिता के साथ नष्ट हो जाना चाहिए था। अपराध बोध से परेशान और यादों से परेशान याया अपने घर को बेचने से होने वाली आय को घूरता हुआ पाता है। पश्चाताप से अभिभूत होकर वह आत्मविनाश के बारे में सोचते हुए खुद को बंद कर लेता है। हताशा के एक क्षण में याया के पास उसके पिता की आत्मा आती है और उससे अपनी मौत का बदला लेने और दुनिया को बदलने का आग्रह करती है। अपने पिता की अचानक उपस्थिति से क्षण भर के लिए घबराई याया की घबराहट तब और बढ़ जाती है जब उसे एहसास होता है कि उसने खुद को बिना चाबी के अंदर बंद कर लिया है। तेजी से सुधार करते हुए वह अपने रोबोट मूसा को दरवाजा खोलने के लिए तैनात करता है, जिससे शक्ति और उद्देश्य की एक नई भावना का पता चलता है। प्रेरणा से प्रेरित होकर याया ने अपनी झोपड़ी में मूसा का एक आत्मकथ संस्करण तैयार करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। नासिर से अनभिज्ञ याया प्रतिशोध की योजना बना रही है। जैसे ही उसे बाद की पुलिस यात्रा के दौरान नासिर के उपहास का सामना करना पड़ता है, याया अपने असली इरादों को छुपाता है, एक ऐसी साजिश रचता है जो नासिर को अंदर तक हिलाकर रख देगी। एक परित्यक्त इमारत में नासिर की नज़र याया पर पड़ती है और वह अपने आदमियों को उसका शिकार करने का आदेश देता है। जैसे ही याया एक कमरे में शरण लेता है, वह अपने VR हेडसेट के माध्यम से मूसा को सक्रिय करता है। रोबोट उसकी खड़ी कार के नीचे से निकलता है। विधिपूर्वक मूसा ने नासिर के गुर्गों को भेज दिया, जिससे वे उसकी ताकत के सामने शक्तिहीन हो गए। बाहर हंगामा नासिर को सचेत करता है, जो विशाल रोबोट का सामना करता है। VR सेट के माध्यम से नासिर को दहशत में भागते हुए देखकर याया की संतुष्टि स्पष्ट है। सटीकता के साथ याया ने एक लकड़ी की बीम फेंकी, जिससे भाग रहा अपराधी अक्षम हो गया। मूसा ने तेजी से नासिर को अपने वश में कर लिया, उसे एक कार में कैद कर लिया और फिर भीषण आग लगा दी, जिससे वाहन एक शानदार विस्फोट में नष्ट हो गया। जैसे ही एक दर्शक नाटकीय दृश्य को वीडियो में कैद करता है, याया दया का विकल्प चुनती है, जिससे गवाह को फुटेज को ऑनलाइन प्रसारित करने की अनुमति मिलती है। याया के प्रतिशोध को दुनिया के सामने प्रसारित करते हुए वीडियो तेजी से वायरल हो गया। न्याय की तलाश में संतुष्ट याया अलगाव की भावना के साथ बिस्तर पर लेट जाता है। इस बीच शहर के दूसरे हिस्से में एक डॉक्टर यूसुफ फराह को उसके बेटे की बिगड़ती सेहत के बारे में गंभीर खबर देता है। अत्यधिक चिकित्सा लागतों का सामना करते हुए फराह को एक प्रायोगिक प्रक्रिया को अस्वीकार करते हुए कठिन निर्णयों से जूझना पड़ता है। उनकी बातचीत के बीच वैरीज को एक मनहूस कॉल आती है, जिससे वह हताशा में दूर चला जाता है, पीछे टूटा हुआ कांच और घायल गौरव छोड़ जाता है। एक अलग सूत्र में याया को एक ऑनलाइन परिचित से एक रहस्यमय संदेश प्राप्त होता है, जो मूसा की रचना के ज्ञान को प्रकट करता है, आगे की साजिश और रहस्य उद्घाटन के लिए मंच तैयार करता है। सामने आने वाली घटनाओं के बीच फारिस को जकारिया के साथ रोबोट घटना की जांच करने का काम सौंपा गया है, एक ऐसा विकास जो विभिन्न क्षेत्रों का ध्यान आकर्षित करता है। इस बीच पुलिस खतरनाक रोबोट की क्षमताओं की जांच करते हुए अपराध स्थल से सावधानीपूर्वक सबूत इकट्ठा करती है। इसके साथ ही अरबपतियों का एक संघ इकट्ठा होता है, जो अपने उद्देश्यों के लिए रोबोट प्राप्त करने की योजना बनाता है। उनकी गुप्त योजनाओं में एक जासूस के साथ पुलिस बल में घुसपैठ करना शामिल है, जिसका उद्देश्य जांच के बारे में अंदरूनी जानकारी हासिल करना है। एक अलग क्षेत्र में रीका याया से मिलने जाती है। जब वे टीवी पर जांच टीम में फारिस की नियुक्ति को देखते हैं, तो उनकी मुलाकात साजिश से भरी होती है। उनकी बातचीत तब गंभीर मोड़ ले लेती है जब रीका एक स्केच पैड का अनावरण करती है, जिसमें मूसा का चित्रण दिखाया जाता है।
यद्यपि उसका ज्ञान रहस्यों की ओर संकेत करता है, रीका मूसा को प्रत्यक्ष रूप से देखने की इच्छा व्यक्त करते हुए याया को उसके विवेक के बारे में आश्वस्त करती है। याया के तहखाने में प्रवेश करते हुए रीका अपनी योजनाओं का खुलासा करने से पहले मूसा को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। साथ में वे याया की प्रतिशोध की खोज और दुनिया को परेशान करने वाले अन्यायों पर चर्चा करते हैं, साझा आदर्शों में सांत्वना ढूंढते हैं। जैसे ही वे उत्तेजक कलाकृति से सजे रीका के क्षेत्र का पता लगाते हैं, वे इस मंत्र को अपनाते हैं, पुरानी दुनिया का अंत होना चाहिए। एक रहस्य उद्घाटन में याया ने डार्क वेब के एक रहस्यमय व्यक्ति से अपने संबंध का खुलासा किया, जो अवैध गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों की एक सूची प्रदान करता है। इस ज्ञान से सशक्त होकर वे गलत काम का डटकर मुकाबला करने के मिशन पर निकल पड़ते हैं। अगले दिन संकल्प से लैस याया और रीका एक गोदाम की ओर ड्राइव करते हैं, जो मूसा को भ्रष्टाचार की ताकतों के खिलाफ खड़ा करने के लिए तैयार हैं। अचानक हुई कार्रवाई में मूसा एक कार को ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हुए एक दीवार से टकरा जाता है, जिससे अपराधियों की ओर से गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। निडर होकर याया ने मूसा को ठगों को तेजी से बेअसर करने का आदेश दिया, जिन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि उनकी राइफलें अथक रोबोट के खिलाफ अप्रभावी हैं। हालांकि एक उच्च क्षमता वाली मशीन गन मूसा को काफी नुकसान पहुंचाती है, जिससे याया को रोबोट को नियंत्रित करते समय भी दर्द महसूस होता है। अराजकता के बीच एक गैस ड्रम के विस्फोट से मूसा रॉकेट चालित ग्रेनेड से बाल बाल बचकर उड़ गया। पीड़ा और क्षति के बावजूद याया कायम रही और मूसा से वापस कार्रवाई करने का आग्रह किया। दृढ़ निश्चय के साथ वह शेष अपराधियों को हराने और घटनास्थल से भागने से पहले अपहरित बच्चों को बचाने के लिए रोबोट का मार्गदर्शन करता है। इस बीच पुलिस को मूसा के नवीनतम कारनामे की खबर मिलती है और वह गोदाम की जांच करने के लिए दौड़ पड़ती है और निगरानी रोबोट द्वारा वश में किए गए अपराधियों की खोज करती है। वैरिस को एक महत्वपूर्ण सुराग का पता चलता है, जिससे पता चलता है कि मूसा को दूर से नियंत्रित किया जाता है, जिससे नियंत्रक की अपराध स्थल से निकटता आवश्यक हो जाती है। बाद में रीका ने मूसा पर उसके नियंत्रण पर सवाल उठाते हुए याया का सामना किया। एक प्रदर्शन में याया ने रीका की रीढ़ की हड्डी की सजगता और मूसा के नियंत्रण के बीच संबंध को स्पष्ट किया, जिससे उनकी साझेदारी की जटिलताओं का पता चला। दिन बीतते हैं और याया और रीका अपनी सतर्कता जारी रखते हैं और शहर की जनता की प्रशंसा अर्जित करते हैं। उनकी बढ़ती लोकप्रियता समर्थन के प्रदर्शन को प्रेरित करती है। सड़कों पर मूसा की प्रशंसा करने वाले पोस्टर सजे हुए हैं। इस बीच फारिस क्षितिज पर संभावित टकराव का संकेत देते हुए सतर्क रोबोट के लिए एक जवाबी उपाय तैयार करता है। इन घटनाक्रमों के बीच मरियम को याया और रीका की गुप्त गतिविधियों के बारे में पता चलता है और वो उनकी सुरक्षा के लिए चिंता व्यक्त करती है। उसकी चेतावनियों के बावजूद याया और रीका न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर आगे बढ़ती हैं। हालांकि उनके गुप्त अभियान अवांछित ध्यान आकर्षित करते हैं, जिससे अधिकारियों के साथ टकराव होता है। तनाव बढ़ने पर फारिस ने मूसा के बारे में जानकारी के बदले में अपने बेटे के इलाज के लिए धन सुरक्षित करने के लिए अरबपति समीर के साथ एक सौदा किया। अपने बेटे के इलाज को सुरक्षित करने के अवसर को भांपते हुए समीर फारिस के साथ एक सौदा करता है, जिससे मूसा के नियंत्रक को पकड़ने की एक भयावह साजिश रची जाती है। घटनाओं को ऑनलाइन प्रसारित करके निगरानीकर्ता के संचालक को बाहर निकालने का इरादा रखते हुए प्रोफेसर एक ट्रेन अपहरण की साजिश रचता है। आसन खतरे से अनजान याया और रीका अपहरण की खबर पर प्रतिक्रिया करते हुए घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। इसके साथ ही एक अन्य समूह ने मरियम को याया की कमजोरी के रूप में पहचानते हुए उसका अपहरण कर लिया। जैसे ही अपहरण की घटना सामने आती है, फारिस अपने आदमियों को एक ट्रेन कार को अलग करने का आदेश देता है, जिससे मूसा उसमें फंस जाता है। एक जैमिंग डिवाइस का उपयोग करके वे मूसा पर याया के नियंत्रण को बाधित करते हैं, जिससे अपराधियों को चेंसों के साथ रक्षाहीन रोबोट पर हमला करने की अनुमति मिलती है। हालांकि एक सतर्क यात्री हस्तक्षेप करता है, जाम करने वाले उपकरण को जब्त कर लेता है और मूसा के साथ याया का कनेक्शन बहाल कर देता है। नए नियंत्रण के साथ याया हमलावरों को हराने और यात्रियों की रक्षा करने के लिए मूसा का मार्गदर्शन करता है। उस रात बाद में याया और रीका को झोपड़ी में एक डीवीडी मिली, जिसमें मरियम के अपहरण का खुलासा हुआ। रीका के जाल में फंसने के संदेह के बावजूद याया उसे बचाने का संकल्प लेती है। समीर का सामना करते हुए याया ने फारिस को अपहरण में फंसाया, जिससे दोनों पक्षों के बीच तनाव पैदा हो गया। मरियम की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए याया ने मूसा को नष्ट करने की एक योजना तैयार की, जिसका इरादा रोबोट के ब्लूप्रिंट के एकमात्र जानकार के रूप में उसके मूल्य को प्रदर्शित करना था। वो फराह के ठिकाने पर खुद को आत्मसमर्पण करने से पहले अपनी रचना को विदाई देते हुए दुनिया के सामने एक वीडियो प्रसारित करता है।
कुछ मिनट बाद जब पुलिस इमारत पर धावा बोलती है तो मूसा विस्फोट कर देता है जिससे फारिस को परिणामों से जूझना पड़ता है। याया के अल्टीमेटम का सामना करते हुए फारिस को स्थिति की गंभीरता को पहचानते हुए मरियम की रिहाई के लिए एक खाका तैयार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मरियम की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद याया ने दीवार पर खाका लिखना शुरू कर दिया और गुप्त रूप से एक साहसी बचाव की तैयारी की। इस बीच रीका हरकत में आ जाती है और फारिस के गार्डों को अक्षम करने के लिए धुआं छोड़ने वाले वाहन का उपयोग करके डायवर्जन की योजना बनाती है। जैसे ही अराजकता फैलती है, डार्क वेब से याया का रहस्यमय दोस्त फरा के ठिकाने में घुसपैठ करने के लिए गुर्गों के एक समूह का नेतृत्व करता है। याया को भागने में मदद करने के लिए विस्फोटक लगाता है। आसन खतरे से अनजान, फारिस अपने काम पर केंद्रित रहता है। उसे स्थिति की गंभीरता का एहसास तभी होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। ढहती हुई इमारत के भीतर फंसा हुआ याया रीका के पास पहुंचता है और मरियम के प्रति अपने प्यार का इजहार करता है, इससे पहले कि उसके चारों ओर का ढांचा ढह जाए। इस बीच फारिस खुद को एक पुलिस चौकी पर घिरा हुआ पाता है। उसने अपने भाग्य से इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो अंततः अपने बेटे के लिए प्रायोगिक प्रक्रिया के लिए सहमत हो गया। अराजकता के बीच याया का दोस्त उसे मलबे के बीच जीवित पाता है, जो विनाश के बीच आशा की एक किरण प्रदान करता है। जैसे ही वे मलबे से बच निकले, एक रहस्यमय आकृति ने मूसा के अक्षुण मेनफ्रेम को मलबे से बचाया, जो अभी तक सामने आने वाले अप्रत्याशित परिणामों का संकेत देता है।